तारीख 4 मई 2023, जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हादसे में पायलट समेत 2 लोग घायल हो जाते हैं, जबकि 1 जवान के हादसे में मौत हो जाती है। इस घटना के 2 दिन बाद ही एक बड़ा फैसला होता है और पता लगता है कि सेना ने इस सैन्य हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी नौसेना और कोस्ट गार्ड ने भी इस हेलीकॉप्टर पर रोक लगाई थी। आखिर ALH फ्लीट यानी एडवांस लाइट वेट हेलीकॉप्टर पर रोक क्यों लगाई जा रही है और ये हादसे क्यों हो रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मैं हूँ ऋषभ कांत, आप हैं मंच पर। साल 1992, जब भारतीय सेना के बेड़े में एक हेलीकॉप्टर शामिल होता है जिसे बेहद खास माना जाता है क्योंकि ये एडवांस लाइटवेट हेलीकॉप्टर होता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी AHL ने बनाया है। इसका नाम है ध्रुव। जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि ये वजन में हल्का है, इसलिए ये कई तरह की खूबियों से लेस होता है। इसके खास होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसका मतलब है कि ये अकेला हेलीकॉप्टर भारतीय सेना ही नहीं कोल्ड कॉर्ट नेवी की कई ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस हेलीकॉप्टर से कई हादसे हुए हैं जिसके बाद इसे जांच के लिए ग्राउंड किया गया है। इसके बनने के पीछे की भी एक कहानी है। साल 1984 में भारतीय सेना ने HAL को 5 टन वजनी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 20 अगस्त 1992 को बेंगलुरु में तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन की उपस्थिति में हेलीकॉप्टर के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। इसके बाद अलग अलग प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया। 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगे प्रतिबंधों की वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में बदलाव करना पड़ा था। इसकी खासियतों को भी एक बार देख लेते हैं। 15.9 मीटर लंबा, 13.2 मीटर चौड़ा और 4.98 मीटर ऊंचा ये हेलीकॉप्टर एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में ये सक्षम है। वर्तमान में ध्रुव के अलग अलग वेरिएंट इस्तेमाल में हैं। इन्हें MK1, MK2, MK3, MK4 नाम से जाना जाता है। सेना के मूवमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत सामग्री को लाने ले जाने समेत कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। फाइटर वेरिएंट में 20 मिलीमीटर की बंदूक और 70 मिलीमीटर रॉकेट है। इससे हवा में वार करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दागा जा सकता है। एक बार में इसमें 12 लोग बैठ सकते हैं और इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। HAL की वेबसाइट के मुताबिक 2 इंजनों से लैस ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा ऊंचाई पर सभी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। रात में उड़ान भरने के लिए इसे ग्लास कॉकपिट और एडवांस्ड एवेन्यूक्स फीचर से लैस किया गया। HAL अक्टूबर 2022 तक 336 ध्रुव हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन कर चुकी है। बता दें 2002 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इस वक्त देश में करीब 330 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर है। 145 थल सेना, वायुसेना के पास 70 से ज़्यादा और 18 हेलीकॉप्टर नौसेना के पास मौजूद है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही इसका इस्तेमाल होता हो। सेना के अलावा नेपाल की सेना, मॉरिशस और मालदीव की पुलिस भी इसका इस्तेमाल करती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सरकार और BSF के पास भी ध्रुव हेलीकॉप्टर है। अगस्त 2008 में तुर्की के साथ भी 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेकर डील साइन हुई थी। भारत कई देशों को उपहार स्वरूप या दान के तौर पर भी ध्रुव हेलीकॉप्टर दे चुका है। दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने ध्रुव को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन भारत में इसी साल ये 3 बार हादसे का शिकार हुआ है। 8 मार्च को नौसेना के एक ध्रुव हेलीकॉप्टर की अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। 26 मार्च को कोस्ट गार्ड ने इस हेलीकॉप्टर की केरल में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। 4 मई को किश्तवाड़ में ध्रुव के क्रैश होने से 1 जवान की मौत हो गई।
लेकिन पिछले 20 सालों में 24 से ज़्यादा कुल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं। साल 2016 में संसद में सरकार ने बताया था कि पिछले दो दशकों में करीब 22 ALH हादसे का शिकार हुए। 2017 से 2021 के बीच ALH से जुड़ी 6 घटनाएं हुई हैं। पिछले 4 महीनों में 3 बार हादसे होने के बाद सेना भी चिंतित है। साल 2022 में अरुणाचल प्रदेश में भी भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो यही था। ये देश का ऐसा हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन में किसी भी समय मदद भेज सकता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर हादसों की वजह से वादों में रहता है। इक्वाडोर सरकार ने HAL से 9 ध्रुव हेलीकॉप्टर के लिए डील साइन की थी। अक्टूबर 2009 में इसमें से एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद इक्वाडोर सरकार ने कथित तौर पर इसे वापस लेने को कह दिया था। 2015 तक इक्वाडोर द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद सरकार ने डील को रद्द कर दिया था और इनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आपकी सेना के इस फैसले पर क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।